आज हम ढाबा पे मिलने वाली जो सेव टमाटर की सब्जी है वो बनाएंगे। ऐसे ही हम इतनी बढ़िया से टेस्टी और अच्छी सब्जी बना सकते हैं, कैसे वो मैं आपको दिखाऊंगी। यम्मी कुक में आपका स्वागत है। मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना ताकि सारी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगी, और जो हम ढाबा पे खाते हैं वैसा ही सेम टेस्ट आएगा। तो ये ज़रूर से आप एक बार ट्राई करना। यहाँ पे हम लोग 2 स्पून ऑयल ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा। इसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। उसके बाद मैंने बारीक लहसुन काट के डाला है, वो 5 से 6 कली ले लेंगे। इसको थोड़ा पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल देंगे ताकि तीखा बहुत ही अच्छे से बनेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिया है। 1/4 स्पून हम हल्दी डाल देंगे। 1 स्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद 2 स्पून हम लाल मिर्ची डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये मसाला एकदम बढ़िया से टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक ढक के पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो लुक देखते हो आप, एकदम स्पाइसी और एकदम बढ़िया ऐसा है हमारा ये सब्जी बन जाएगी। तो इसको ढक के हम रख देंगे। ये मैंने ढक के पका दिया है, तेल ऊपर आ गया है और एकदम अच्छे से टमाटर पक गए हैं। तो वैसे ही हमको करना है। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी भुजिया डाल देंगे। अगर आपको बड़ी वाली लेनी है तो बड़ी वाली भी ले सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 मिनट हो गई है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। तो एकदम बढ़िया ऐसी ढाबा वाली सेव टमाटर की सब्जी रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।